मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दे व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज इंडिया एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज मैं एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोग गए थे 5 महीने पहले और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो उसके रिलेटेड भी एक वीडियो आने वाली है। फिलहाल तो हम एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पलाश, मैं और हमारे कुछ दोस्त लोग भी जा रहे हैं, तो फटाफट अपन चलते हैं पलाश के पास। तो यहाँ पे पलाश और हमारे भाई अक्षय भैया, ये लोग सब खड़े हैं और आज हम लोग एक शॉप पे जाने वाले हैं और वो प्लेस मतलब इन लोगों से कुछ रिलेटेड होने वाली है। तो आप लोग समझ जाइए फिर क्या होने वाला है आज के व्लॉग में। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और मैं भी बड़े दिनों व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो चेहरे पे मुस्कान कुछ अलग ही दिख रही होगी आप लोगों को भी। हुलिया पूरा बदल चुका है और आगे मैं कहानी बताऊँगा। मेरे से कई लोगों ने इस वक्त में पूछा कि मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, क्यों चैनल बंद किया हुआ है अभी। बट अब वीडियोस रेगुलर आएंगी और मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा चैनल पे। तो अभी अपन थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं, यहाँ से चलते हैं और आगे की जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बस हम लोग निकलने वाले हैं और मैं अपना सैनिटाइजर मास्क भूल गया था तो मैं लेने के लिए वापस आया था। और अब बाहर चलते हैं, जूते पहनते हैं या फिर स्लीपर्स जो भी है और चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग शॉप पे आ चुके हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने ही शॉप है। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पिंजरे रखे हुए हैं यहाँ पे और आज मैं आपको ये पूरी शॉप को घूम के दिखाऊंगा। और यहाँ पे मतलब जो भी एनिमल्स हैं, जैसे फिश टैंक भी हैं यहाँ पे, कुछ बर्ड्स भी हैं, वो सब आपको बताऊँगा। रेगुलरली हम लोग यहीं से परचेजिंग करते हैं बर्ड्स और फिशेस की जो हमारे एक्वेरियम में है घर पे। मैं आपको एक्वेरियम भी दिखाऊंगा और प्लस हमारा जो छोटा सा बर्ड हाउस बना हुआ है, बर्ड कॉलोनी टाइप बनी हुई है, वो भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे से लेके ये ऊपर तक और ये चारों तरफ, ये यहाँ पे कई सारी फिशेस और बहुत प्यारे प्यारे एक्वेरियम बने हुए हैं। और जो ये एक्वेरियम है, ये यहाँ की जो ओनर है, मैं उनसे भी आप लोगों की बात कराऊँगा और ये सारे एक्वेरियम्स के बारे में आपको बताऊँगा, किसमें कौन सी फिशेस हैं और किस टाइप के जो एनवायरनमेंट में इनको रखा जाता है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये पलाश भाई, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है इनके बारे में, तो इनसे भी बात करते हैं। और ये हमारे अक्षत भैया जो उधर पीछे छुप रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो ये अभी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, ये पहली बार हमारे व्लॉग में आ रहे हैं। और ये जो एक्वेरियम है, ये रेडीमेड एक्वेरियम है और अगर आप लोग चाहें तो इन्हें बाय कर सकते हैं। वैसे ये मेड इन चाइना होते हैं तो गारंटी की कोई सवाल नहीं होता इनका। और पला जरा बताओ इनके बारे में। तो ये जो फिशेज हैं, ये तो गोल्डन वाली गोल्ड फिशेज हैं, ये जो गोल्ड फिश हैं। और इसमें कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन है, ब्लैक गोल्ड फिश हैं ये वाली, और ये रेड कैप गोल्ड है या है ना, बोलते हैं इनको, तो वो तो दिख रही है ये। और ये जो शार्क और गोरामी, मैं आपको नाम नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी इन सब के, और साथ में वीडियो में भी डाल दूंगा। ये जो सिल्वर एरवाना बोला जाता है इसे, इसका प्राइस रेंज क्या रहता है? तो इसका प्राइस रेंज जो है वो 500 से चालू होता है और उसके बाद जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस रेंज भी बढ़ता जाता है। और यहाँ पे एक सबसे अट्रैक्टिव फिश जो है ये पलाश, ये पलाश, ये कौन सी वाली फिश? यहाँ पे जो सबसे अट्रैक्टिव फिश है ये कोई फिश है, वो मैंने उधर आपको गलत बता दिया था, ये कोई फिश है और इसको कार्प भी बोला जाता है, गोल्डन कार्प। और ये नीचे छोटे, ये छोटे साइज में है और यही सेम फिश ये बड़े साइज में है यहाँ पे।
दीदी हैं जिनकी शॉप है, और ये आप लोगों को थोड़ा शॉप के बारे में और जो लोकेशन है उसके बारे में भी बताएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लोकेशन दे दिया है, फिर भी दीदी आपको बता देंगे, तो दीदी से बात करते हैं। दीदी आपका नाम बता दीजिए पहले। आशा गौर। और दीदी यहाँ की ओनर हैं और दीदी ही पूरी शॉप संभालती हैं। यहाँ पे किस किस टाइप के एनिमल मिल जाएंगे हमें? तो यहाँ पे मतलब बर्ड्स और फिशेज में सारी वैरायटी अवेलेबल हो जाती हैं, और रेट्स रीजनेबल रहते हैं अपने। तो जो रेट्स मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताए थे जो नगर निगम वाली हमने बनाई थी, उसी टाइप के रेट्स यहाँ भी मिलेंगे। मतलब जो ये शॉप है इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये शॉप की वैसे बोला जाए तो बंगाली स्क्वायर से हम अगर अंदर आते हैं तो उधर ही पास में ये शॉप है, लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दीदी यहाँ पे फूड्स जो हैं कितने टाइप्स के अवेलेबल, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे फूड्स अवेलेबल है यहाँ पे एनिमल्स के लिए। तो कौन कौन से फूड्स अवेलेबल होते हैं? 10 से 12 प्रकार के फिश फूड होते हैं यहाँ। हाँ अच्छा, ये बर्ड्स के जो फूड हैं इसमें मैक्सिममली क्या आता है खाने में? अच्छा, ये मतलब इसमें भी मल्टीग्रेन फ्रूट आता है, ये मल्टीग्रेन फूड है ये। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये फिशेज हैं, ये शायद ऑस्कर बोला जाता है। ये बहुत बड़ी होती हैं और डेंजर भी बहुत होती हैं। ऑनलाइन में भी यहाँ अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी हो गया है अवेलेबल। और भैया जो हैं ये इनके भांजे हैं ये, और ये यहीं पे इनके साथ में हैंडल करते हैं सब। तो भैया आप थोड़ा अपने को घुमाएंगे और चीज़ें बताएंगे। तो भैया आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे कैमरा लेके आता हूँ। ये रोजी बार्ब है, ये टिम्पल बार्ब है, ये इसका इसका कलर आता है एल्विनो, इसमें एल्विनो टिम्पल बार्ब बोलते हैं। एक इसके ये आती है न्योन टेट्रा, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी मछलियाँ हैं। ये रेडियम फिशेज है, इसकी ब्लू लाइट ज़्यादा चमकती है, और एक अपनी फिशेज है विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेती है। उसके बाद आती है फ्लावर वन, ये उंगली पे सेट हो जाती है। दूसरी बार इसका हेड आता है, पूरा गोल दिखता है उसका हेड। ये है एंजल, वो सेंसिटिव मछली होती है, वो स्लिम मछली रहती है। और ये है सर्प टेट्रा, और ये है अपनी ब्लैक मोर। उसके बाद आते हैं टाइगर, टाइगर फिश रहती है सॉफ्ट वैरायटी में, और ये ऑस्कर है। ये तो हार्ड फिशेस रहते हैं ऑस्कर, ये हार्ड फिशेस है सारे। और ये है अरवाना, हाँ, जिसको गुंबा फिश। इसका प्राइस रेंज क्या रहता है? इसका सिंगल का प्राइस पड़ेगा आपको 1200 रुपये, हाँ, और पेयर 2200 का। ये है ग्रीन कलर, इसका अगर जितना ज़्यादा साइज बढ़ता है उस हिसाब से उसके कलर बढ़ते जाते हैं, और इससे का ये बड़ा साइज। और ये तो देख लिया हम लोगों ने, इनोवा गोल्ड फिशेज है, ये येलो जेब्रा जी ओनली, इसका छोटा साइज भी अवेलेबल है। अच्छा, वाइट ब्लैक एंड येलो कलर में। तो बाद ये पिंक जेब्रा है, रेड केप है, ब्लैक गोल्ड गोल्ड, और फिर इधर आते हैं छोटा स्कूल देख लो, उसका बड़ा साइज भी है, इसमें अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। और ये अपनी मिल्की कार्प है, डॉलर जो कि हार्ड वैराइटीज होती है, इसमें रेनबो शार्क भी अवेलेबल है। और ये है सर्फ टेट्रा जो कि मतलब विदाउट ऑप्शन के भी रिलेटेड है। उसके बाद ये शार्क, ये शार्क है, इसका काफ़ी बड़ा साइज होता है, इसका काफ़ी बड़ा साइज पास में दिखाई देता है। ये कार्प, ये भी हार्ड वैराइटीज होती है, जिसके साइज काफ़ी बड़ा जाता है, इसी का बड़ा साइज है। और ये अरवाना जो आपने पीछे देखी है। तो यहाँ पे बात तो हो गई है, मैंने मछलियाँ तो बता दी। अब जिनको नया एक्वेरियम ख़रीदना है या उसकी एक्सेसरीज लेनी है तो यहाँ पे वो चीज़ें भी अवेलेबल है। और ये पीछे जो काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे सारे टाइप के फ़िल्टर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे लाइट्स रखी हुई हैं, ये ऊपर बड़े वाले जो फ़िल्टर्स हैं ये रखे हुए हैं। और उधर जो है ग्रास जो आर्टिफिशियल आती है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर जो अपन इसके अंदर लगाते हैं, एक्वेरियम के अंदर रखते हैं, या फिर ये जो अलग अलग टाइप्स की ग्रास होती हैं, ये जो फिश टैंक हैं ये छोटे से लेके बड़े साइज़ में सारे अवेलेबल हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 12,000 तक का साइज़ है, मतलब जो वो बड़ा वाला फ़िश टैंक मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वो। और ये यहाँ पे ये जो बेड है, ये सॉफ्ट बेड ये लगता है नीचे एक्वेरियम में।
यहाँ पे बर्ड के केजेस भी अवेलेबल हैं, जो छोटी बर्ड्स हम पालते हैं जैसे लव बर्ड, प्रिंस, और इनके लिए भी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये एक बड़ा वाला एक्वेरियम रखा हुआ है, इसमें सामान रखा हुआ है फिलहाल। डॉग्स के जो बेल्ट हैं और डॉग हैंडल करने वाले जो एक्सेसरीज हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं प्रॉपर तरीके से। स्टोन्स जो लगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स आते हैं, ये वैसे तो ये अवेलेबल मिलते नहीं हैं इतने बड़े साइज़ में, यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक नहीं बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ। तो ये शाइनी स्टोन्स हैं जो हम एक्वेरियम के अंदर रखते हैं। तो देखो अभी मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ढूंढी, दीदी ने मेरे को बताई, ये हॉलीडे फूड। जैसे अभी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, हमारा कुछ प्लान है कि कहीं हमको 4-5 दिनों के लिए जाना है, और अगर हमारे घर पे फिशेज हैं तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हॉलीडे फूड नाम से एक फूड आता है फिश का, इसको आप टैंक में डाल के रख दीजिए, आराम से 4-5 दिन का बैकअप मिल जाता है। जैसे अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो फिशेज़ को खाना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें से ही वो थोड़ा थोड़ा लेके अपने अनुसार खा लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ आज हमने देखी, हॉलीडे फूड। और ये शॉप जो है दीदी की, यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सारी पेमेंट भी हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे फिंगर अपनी टर्न कर रहा हूँ, ये फिश मेरी फिंगर के हिसाब से अपना जो है फेस टर्न कर रही है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये बहुत ही महंगी फिश है, ये हैंडल करना भी बहुत इसको मतलब केयरिंग वाली चीज़ है थोड़ी। तो भैया आप बर्ड्स के रेट भी बता देंगे, यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी हैं और केजेस भी रखे हुए हैं यहाँ, तो इनके भी प्राइस पूछ लेते हैं। ये निटिनो बर्ड्स है, जो कि 2500 से 3000 के आसपास का पेयर आता है, और ये नीचे है लव बर्ड, इसका 600 से 500 का पेयर आता है। जो पीछे की साइड है वो है कॉकटेल, जो कि एंटेम के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं, इसका रेट पड़ता है 4000 का पेयर और सिंगल 2000। और यहाँ पे एक रैबिट भी मैंने अभी आइडेंटिफाई किया है, छोटा सा रैबिट बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इसका प्राइस क्या है? इसका ये पड़ा आई थिंक 300 का सिंगल प्राइस है, 500 का पेयर रहता है, बट पेयर अभी अवेलेबल। और ये जो केज रखे हुए हैं इनके साइज के हिसाब से प्राइस अलग अलग डिसाइड होते हैं? सबके साइज के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। ये 700 रुपये का है, ये 1000 का है, ये वाला 700 रुपये का, ये 750 वाले हैं, और लोहे वाले रहते हैं तो 350 के पड़ेंगे, 450 के, और नीचे इसके साइज बढ़ते जाएंगे। आप लोग भी अपने घर में कुछ फिशेस रखना चाहते हैं, या कुछ बर्ड्स रखना चाहते हैं, या कोई डॉग रखना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर रेट्स मिल जाएंगे, और आपको हर टाइप की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, मैंने आपको पूरी वीडियो में बता ही दिया है, A to Z चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, और अगर कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिएगा, बाद में आके हम वो भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे बर्ड की जो कुछ दवाइयाँ आती हैं फिश के लिए, बर्ड के लिए, वो भी अवेलेबल हैं आपको, वो भी मिल जाएंगी पानी में डालने वाली। और ज़्यादातर यहाँ पे हार्ड फिशेस, सॉफ्ट फिशेस का जो कॉम्बिनेशन है वही रखा जाता है, ताकि ये ज़्यादा अच्छी भी दिखती हैं। और एक्वेरियम को ये डेकोरेशन प्रॉपर यहाँ पे किया गया है, और आप लोग भी ऐसा डेकोरेट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको हैंडल करना बहुत ईजी रहता है। मेरे घर पे भी फिशेज हैं, और बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है, मैं आपको आज दिखाता हूँ वो एक्वेरियम भी, मैंने पहले कभी दिखाया नहीं है, या शायद दिखाया होगा एक बार। तो चलो अब मैं थोड़ा बहुत और यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे हम लोग, और फिर घर चल के आगे की बातें करेंगे। तो ये जो कॉकटेल है एक हमने ले लिया है, और अभी घर ले जाके इसको हमारे वाले जो बर्ड कॉलोनी छोटी सी उसमें डाल देंगे। तो सब काम निपट गए हैं अपने, वीडियो पूरी शूट हो चुकी है, और अब हम लोग निकलने वाले हैं। चुके हैं, और यहाँ पे अब इसको जो बर्ड लेके आए हैं उसको केज में डालेंगे इन बाकी के साथ, और मैं आपको सिनेमैटिक दिखाता हूँ, तो आप पूरा सिनेमैटिक देखो, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं।
किसने तो गाइस जिस एक्वेरियम की मैं बात कर रहा था वो एक्वेरियम ये रहा मेरे सामने, और ये हमारे घर में हमारा पर्सनल एक्वेरियम है जिसमें हमने कुछ बड़ी फिशेस हैं, जैसे ये ब्लैक वाली फिश है, ये यहाँ पे पैरोट फिश है, वो जो बड़ी सी फिश दिख रही है ये कैट फिश है एक, और इसमें एक ऑस्कर भी थी जो बीमार होने के कारण मर गई थी और उसको हटा दिया हमने, और अभी ये कुछ फिशेज हैं, इसमें नया कलेक्शन थोड़े दिनों में आने वाला है, तो जैसे ही वो आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिर आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी, बड़े दिनों के बाद मैंने व्लॉग किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अब मैं जो वीडियोज़ रेगुलरली डालूंगा वो अपडेट्स आप लोगों तक टाइमली पहुँचते रहें। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।